अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से ही होंगे। आज मैं आपके साथ नई रेसिपी लेके आए हैं जिसमें मैं आपको बताएंगे किस तरीके से आप घर पर हॉट चॉकलेट केक बना सकती हो, केक का स्पंज किस तरीके से बनाया जाता है, इसमें कितनी सॉस पड़ती है, सॉस किस तरीके से तैयार की जाती है, वो सारा इस रेसिपी में हम वीडियो के माध्यम से क्लियर करेंगे। बहुत ही बढ़िया और सिंपल सी रेसिपी और बहुत ही टेस्टी है फ्रेंड्स। रेस्टोरेंट में काफ़ी महंगा मिलता है लेकिन हम लोग घर पर ही बनाएंगे। घर के मेन इंग्रीडियंट्स से हमको बाहर से कोई भी चीज लाने की जरूरत नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं हमारा चैनल कुक विद फूड। चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हमने हाफ कप दूध लिया है। ये हमारा रूम टेम्परेचर वाला दूध है लेकिन खोला हुआ है फ्रेंड्स। तो इसमें हम एक टेबल स्पून सिरका डाल रहे हैं। अच्छा, दूध में हम सिरका डालेंगे तो दूध हल्का सा फटने लगेगा लेकिन कोई बात नहीं है, ये बहुत ही बढ़िया बनता है फ्रेंड्स। तो इसको अच्छे से मिला करके इसको फेंट लीजिए। इसके बाद फ्रेंड्स, हमने 1/3 कप हमने पाउडर शुगर लिया। ये घर के दाने वाली शुगर है, इसको मिक्सर में डाल करके हमने इसको पीस लेते हैं, इसका पाउडर बना लेते। तो फ्रेंड्स, इसी को आप अच्छे से डाल करके ये इस चम्मच की मदद से इसको आप अच्छे से घोल लीजिए फ्रेंड्स। इसके बाद फ्रेंड्स, हमने 1/2 कप हमने रिफाइंड ऑयल लिया है। आप इसकी जगह से बटर भी ले सकते हो, इससे क्या होगा कि केक और भी बढ़िया बन के तैयार होगा, लेकिन हम रिफाइंड ऑयल का ही यूज कर रहे हैं। तो 1/2 कप हमने लिया है फ्रेंड्स। चीनी को, सिरके को, दूध को, इस तमाम चीजों को मिला के बढ़िया से आप इस तरीके से आप फेटिए। जब ये बढ़िया से फेट जाए फ्रेंड्स, तो इसमें कुछ ड्राई इंग्रेडिएंट्स भी डालेंगे। इसमें हमने 1 कप हमने मैदा लिया है फ्रेंड्स। मैदे को एक छन्नी में डाल के बढ़िया से हम इसे छान लेंगे। मैदा कोशिश कीजिएगा पैकेट मैदा लीजिए और बहुत ही बढ़िया मैदा लीजिएगा ताकि हमारा केक भी बहुत ही बढ़िया बन के तैयार हो। तो फ्रेंड्स, इसको अच्छे से इसको आप छान लीजिएगा। मैदे को छानना बहुत ही जरूरी होता है। अच्छे से छानने के बाद इसमें हम कोका पाउडर मिला रहे हैं। तो हमने 5 टेबल स्पून कोका पाउडर मिलाया। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही चॉकलेटी केक होगा तो चॉकलेट से भरा हुआ रहेगा, तो हम कोका पाउडर डालेंगे तो इसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया होगा। तो हमने 5 टेबल स्पून डाला। तो कोका पाउडर ही फ्रेंड्स बहुत ही अच्छी कंपनी के लीजिएगा। जितना अच्छा कोका पाउडर रहता है केक उतना ही बढ़िया बनता है। तो 1/2 टीस्पून हमने इसमें बेकिंग सोडा डाला है फ्रेंड्स और 1 टीस्पून हमने बेकिंग पाउडर डाला है। तो दोनों को अच्छे से इसमें डाल दीजिए। अब ये देखिए हमारा बैटर थोड़ा बहुत ही गाढ़ा, अभी तो हमने इसमें कुछ मिलाया नहीं है फ्रेंड्स। तो इसको हमने 1/2 कप इसमें वार्म वाटर लेंगे, हल्का से गर्म पानी है फ्रेंड्स। इसको हम डाल करके इसमें अच्छे से डाल करके थोड़ा सा हम केक को मिक्स करेंगे इस तरीके से। तो बैटर को बढ़िया से आप मिक्स करिए। जैसे जैसे कोका पाउडर इसमें मिलता जाएगा तो ये बहुत ही स्मूथ होता जाएगा और इसमें एक अच्छी सी शाइनिंग आने लगेगी। देखिए हम आपको दिखाते हैं फ्रेंड्स। अभी तो ये मैदे के साथ ये कोके पाउडर को बहुत ही बढ़िया से आप इसको मिक्स कर लीजिए फ्रेंड्स। ये देखिए इस तरीके से, और देखिए कितनी बढ़िया से इसमें शाइनिंग आ रही है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप थोड़ा सा मिला लीजिएगा और इसमें 2-3 बार में धीरे धीरे करके आप पानी को डालिएगा। जितनी पानी की जरूरत हो उसी हिसाब से डालिएगा। अभी मैंने 1/2 कप इसमें डाला है और थोड़ा सा ये गर्म पानी है। तो 1 टेबल स्पून फ्रेंड्स हमने इसमें कॉफी डाला है। तो ये हमारी नेस कॉफी ले लीजिए, चाहे ब्रू की जो भी कॉफी आपके पास हो ले लीजिए। हमने 1 टेबल स्पून इसमें हमने नेस कॉफी हमने इसमें डाला है फ्रेंड्स। और इसके बाद हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। आप देखिए कितना स्मूथ और कितना बढ़िया से हमारा बैटर केक का बन के तैयार। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से इसे आप हैंड विस्कर की मदद से इसको बढ़िया से आप चला लीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, इसी कंसिस्टेंसी देख लीजिए, रनिंग फॉर्म में ये होना चाहिए। देखिए इस तरीके से, ना ये बहुत पतला हो ना ये बहुत मोटा हो। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने एक केक की टिन लिया, इसको हमने ऑयल से बढ़िया से हमने ग्रीस कर लिया। इसके बाद हम इसके ऊपर एक बटर पेपर लगा देंगे, देखिए इस तरीके से। तो फ्रेंड्स, हमने केक टिन को अच्छे से हमने इसको ग्रीस कर लिया है। इसके बाद फ्रेंड्स, हम इसके अंदर बटर पेपर इस तरीके से लगा देंगे। अच्छा, इस तरीके से लगाना जरूरी है, इससे क्या होता है केक हमारा नीचे से बिल्कुल भी नहीं चिपकता है नहीं जलता है। तो इस तरीके से आप लगा दीजिए। अब हम सारे बैटर को फ्रेंड्स इसके अंदर डाले दे रहे हैं इस तरीके से, और इसी कंसिस्टेंसी आप देख लीजिए बिल्कुल रनिंग फॉर्म में है। देखिए किस तरीके से कितना स्मूथ सा ये बैटर हमारा तैयार हुआ है, इसका केक भी बहुत ही बढ़िया बनेगा। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छे से डालने के बाद फ्रेंड्स इसको टैप टैप कर लीजिए इस तरीके से। इसके बाद फ्रेंड्स हम इसको माइक्रोवेव पर डालते हैं। 180 सेंटीग्रेड पर हम इसको बेक कर रहे हैं। अगर आपको कढ़ाई में बेक करना है तो 45 मिनट पूरा लगेगा। 10 मिनट के बाद आप इससे थोड़ा सा 5 मिनट तक आप इसको हाई फ्लेम पर रखिएगा कढ़ाई में। उसके बाद आप इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर करिएगा। तकरीबन 45 मिनट पर यह बन के तैयार होगा। लेकिन आप अगर माइक्रोवेव में बेक कर रहे हैं तो 180 सेंटीग्रेड पर 35 मिनट के लिए आप इसे रख दीजिएगा तो बहुत ही बढ़िया बन के तैयार हो जाएगा। चाहे आप माइक्रोवेव में बना लें चाहे कढ़ाई में बना लें, वह थोड़ा सा जो कढ़ाई में आप बनाएंगे थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा। अब फ्रेंड्स, 100 ग्राम इधर हमने डार्क चॉकलेट लिया है और डार्क चॉकलेट लेने के बाद इस तरीके से हम इसको कट कर ले रहे हैं नाइफ की मदद से फ्रेंड्स इस तरीके से।
तो फ्रेंड्स अच्छे से हमने कट करने के बाद इसके हम सॉस बनाने की तैयारी करते हैं। तो इसमें हमारा ये डार्क कंपाउंड पड़ेगा फ्रेंड्स, तो इसके बहुत ही बढ़िया से हमें इसकी सॉस बनाते हैं। तो एक पैन लेते हैं फ्रेंड्स, इसके अंदर हमने एक कप दूध भर के डाला। ये मेरा पहले से गर्म किया हुआ दूध है फ्रेंड्स, कच्चा दूध बिल्कुल भी नहीं है। अगर कच्चा आपको लेना तो पहले खौला लीजिएगा, ठंडा कर लीजिएगा, फिर डालिएगा। तो 3 टेबल स्पून हमने इसमें शुगर लिया है फ्रेंड्स, और शुगर को और दूध के साथ अच्छे से इसको मिक्स कर लिया। इसके बाद फ्रेंड्स हमने 1 टेबल स्पून वनीला कस्टर्ड पाउडर लिया। हाँ फ्रेंड्स, वनीला कस्टर्ड पाउडर इसमें डाल रहे हैं ताकि इसमें बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आए। वनीला का जो टेस्ट होता है बहुत ही बढ़िया होता है, और जब ये कोका पाउडर के साथ ये आता है तो ये बहुत ही बढ़िया फ्लेवर देता है। तो फ्रेंड्स 2 टेबल स्पून हमने इसमें कोका पाउडर डाल दिया और 1 टेबल स्पून हमने कस्टर्ड वनीला पाउडर डाला है। फ्रेंड्स कोका पाउडर के साथ जब कस्टर्ड पाउडर डालोगे तो बिलीव करिए फ्रेंड्स, बहुत ही बढ़िया इसका टेस्ट होता है। हम लोग आइसक्रीम वगैरह में अक्सर इसे डालते हैं और बहुत ही बढ़िया तैयार होता है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप लो टू मीडियम फ्लेम पर थोड़ी देर आप इसे बॉईल कर लीजिए फ्रेंड्स, अच्छे से ये पक जाना चाहिए। थोड़ा सा पकने के बाद फ्रेंड्स हमने इसमें जो हमने डार्क चॉकलेट कट की थी बस उसको हम इसमें डाल करके थोड़ा सा लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे भी डाल करके थोड़ा सा पकाएंगे फ्रेंड्स। तो अच्छे से इसे पका लीजिएगा, क्योंकि कोका पाउडर का और वनीला का कस्टर्ड का बिल्कुल भी कच्चापन इसमें नहीं रहना चाहिए। तो बिल्कुल लो फ्लेम करके 4 से 5 मिनट आप इसे जरूर पका लीजिएगा। 1 टीस्पून हमने इसमें बटर डाला है। अच्छा, हमने 1 टीस्पून डाला, आप 1 टेबल स्पून तक इसमें डाल सकते हो। बटर का फ्लेवर इसमें बहुत ही बढ़िया आने वाला है। तो बहुत ही मज़े की सॉस बनती है फ्रेंड्स, आप लोग इसी तरीके से बनाइएगा। ये बहुत ही उम्दा किस्म का ये केक बनता है। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा हमने इसमें दूध डाला था, क्योंकि हमारा ये जो हमने बना रहे हैं सॉस थोड़ी गाढ़ी हो गई थी। जब गाढ़ी होने लगे थोड़ा सा आप दूध डालिए। यहाँ पर आप क्रीम भी डाल सकते हो, अगर दूध आपके पास नहीं तो आप क्रीम का ही यूज़ करें, उससे भी इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया हो जाएगा, थोड़ा सा गाढ़ी कंसिस्टेंसी में हो जाएगा। तो इसके बाद गैस के फ्लेम को ऑफ करके रूम टेम्परेचर पर इसको ठंडा होने दें। अब फ्रेंड्स इधर हमारे 35 मिनट हो गया, तो आप देख सकते हो केक हमारा बहुत ही स्पंजी और जालीदार तैयार हुआ और इसमें बहुत ही शाइनिंग है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से टूथपिक डाल करके आप इसे चेक कर लीजिए कि कहीं से अंदर से अगर ये थोड़ा बहुत भी लगा हो तो आप थोड़ी देर के लिए तकरीबन 5 मिनट के लिए केक को और पका लीजिएगा। लेकिन 35 मिनट में बहुत ही बढ़िया से एक केक माइक्रोवेव में ये बेक हो गया था। इसके बाद फ्रेंड्स इसमें हमने नाइफ के से किनारे की तरफ हमने कट लगा लिया है, वैसे बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। एक प्लेट हमने इसके ऊपर रख करके इसको इस तरीके से टैप टैप किया, इसके बाद केक ये आसानी से फ्रेंड्स आ गया। इसके बाद दूसरी प्लेट रख करके हम आराम से इसके जो इसमें बटर पेपर है इसको हम निकाल देंगे फ्रेंड्स, देखिए इस तरीके से। तो बहुत ही आसानी से ये बटर पेपर निकल जाता है, इसमें कोई परेशानी नहीं होती। तो गरम गरम ही आप निकाल दीजिए, अगर ठंडा करके निकालोगे तो बटर पेपर चिपक जाएगा फ्रेंड्स। तो बस इस तरीके से अब इसको प्लेट लगा करके हम इसको पलट लेते हैं इस तरीके से, देखिए फ्रेंड्स। तो 2 प्लेट की मदद से हमने इसको आराम से पलट लिया। अब देखिए फ्रेंड्स इसको हम कट करते हैं, तो तकरीबन 4 भाग में हम इसको कट करेंगे। आप चाहें तो इसको ना भी करें कट, लेकिन हमने पहले इसमें टूथपिक की सहायता से इसको फ्रेंड्स इस तरीके से इसमें हमने छेद कर दिया ताकि हमें जो सॉस डालनी और सॉस अंदर तक जज्ब हो जानी चाहिए, बहुत ही अंदर तक मॉइस्ट हो जाए। इस वजह से हमने इसको थोड़ा सा टूथपिक की मदद से इस तरीके से हमने इसको छेद कर दिया, जगह जगह होल बना लेंगे फ्रेंड्स। जब अच्छे से इसका छेद हो जाएगा जगह जगह, फिर इसके बाद फ्रेंड्स हमने गरम गरम सॉस इसके ऊपर हमको डालना है। बहुत ही बढ़िया से आप इसके छेद बना लीजिएगा, 4 से 6 भागों में आप इसको कट कर लीजिए। देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से, तो आप देख सकते हो कितना स्मूथ ये कट हो रहा है और बहुत ही टेस्टी बनके ये केक हमारा चॉकलेट केक बनके तैयार होता है। तो अगर आपको चॉकलेट केक बनाना है तो इसी तरीके से आप चॉकलेट केक भी बना सकते हो। तो फ्रेंड्स ये देखिए, हमने इस रेसिपी में आपको चॉकलेट केक भी बनाना सिखा दिया और चॉकलेट केक का स्पंज किस तरीके से बनाया जाता वो भी हमने आपको बता दिया। अब हम हॉट चॉकलेट केक किस तरीके से बनाया जाता है इस पर फ्रेंड्स वो आपको बता रहे हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो कितना स्पंजी और जालीदार इसका बटर तैयार हुआ। अब इसको थोड़ा सा, हमारा केक भी इस वक्त हल्का सा गर्म है और इसमें थोड़ी सी गर्म गर्म हमने इसमें सॉस डाली, क्योंकि हॉट चॉकलेट केक है तो इसमें थोड़ी सी गर्म सॉस ही हमको डालना पड़ेगा। जो सॉस हमने बनाई थी फ्रेंड्स उसको इस तरीके से आप गरम गरम ही इसमें डाल दीजिएगा। देख सकते हो कितनी बढ़िया हमारी ये केक तैयार हुआ है। अब बस दिल कर रहा है कि अभी बस इसको खा ले, इतना मॉइस्ट इतना बढ़िया ये केक तैयार होता है फ्रेंड्स। अगर एक बार आप खाओगे ना तो आपका बार बार दिल करेगा बनाने का। तो रेस्टोरेंट में ये काफ़ी महंगी मिलती है, जल्दी मिलता भी नहीं है फ्रेंड्स, और मिलेगा भी तो काफ़ी महंगा मिलेगा।
तो क्या ज़रूरत है, हम लोग घर पर ही बना लेते हैं, थोड़ी सी चॉको चिप्स से तरह तरह के स्प्रिंकल से, जो आपको पसंद हो उस तरीके से अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप गार्निशिंग इसकी कर लीजिएगा। तो चॉको चिप्स के मैंने गार्निशिंग किया, क्योंकि चॉकलेट केक है तो चॉको चिप की गार्निशिंग इसमें बहुत ही बढ़िया लगेगी। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, छोटे मोटे ओकेजन में, घर में छोटी मोटी पार्टीज, बच्चों का बर्थडे हो, आराम से आप इसको बना सकते हो और अपने घर में अपने बच्चों का तो हम लोग दिल खुशी कर सकते हैं। तो इस तरीके की रेसिपी आप लोग बना लिया करें और बिल्कुल घर के मेन इंग्रेडिएंट्स से बनाए, हमें बाहर से कुछ भी लाना नहीं पड़ा फ्रेंड्स। छोटी मोटी केक की बेकिंग हम औरतें घर में कर ही लेते हैं फ्रेंड्स, तो बस इसी तरीके से हमने इसको बनाया है और बहुत ही बढ़िया ये हमारा हॉट चॉकलेट केक बन के तैयार होता है फ्रेंड्स। अब इसको हम सर्व करके भी आपको दिखाते हैं कि कितना ये बढ़िया है फ्रेंड्स। मेरे बच्चों को हॉट चॉकलेट केक बहुत पसंद है, मैं अक्सर इसे बनाती हूँ बच्चों के लिए, कभी कभी छोटी मोटी पार्टीज वगैरह में भी आप लोग इसे बना लें। तो ये बहुत ही उमदा किस्म की ये रेसिपी आपके साथ शेयर किया है। अब भी कोई डाउट हो फ्रेंड्स, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमसे क्वेश्चन पूछे, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगी, क्योंकि आपके कमेंट पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। बेकिंग और कुकिंग सेटेड मैं वीडियोस अपने चैनल पर डालती रहती हूँ, इंडियन फूड, पाकिस्तानी फूड, वेज रेसिपीज, नॉन वेज रेसिपी, फास्ट फूड की बहुत सारी रेसिपीज हमारे चैनल पर अवेलेबल है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कुछ वीडियो के क्लिप्स मैंने लगा दिया है, प्लीज़ हमारे चैनल पर विजिट करें, कम से कम एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। बहुत जल्दी किसी नई रेसिपी मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।